बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं कि महाराष्ट्र में हालात काबू में हो रहे हैं। अब लोगों की जो ठीक होने की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो उसका सहरा जो बनता है ये हमारी पुलिस के सर बनता है। और मराठी जो संस्कृति है यहाँ की, देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो मौसम है, मुंबई का मौसम, वो अपने आप में एक अलग ही वो खासियत रखता है। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाड़, जो कि मुमरा कौसा के MLA भी हैं, उन्होंने जिस तरह की कोशिशें की, वो वाहिद MLA नज़र आए पूरे महाराष्ट्र में जो पूरी गलियों में घूमे, लोगों को उन्होंने लोगों ने उससे उन्होंने आग्रह किया कि आप घर में रहें, उन्होंने उनसे इल्तजाएं की, उन्होंने समझाया। और जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है उनके क्षेत्र में, उन्होंने उसको रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की। इसी तरह से मुंबई में जब हम यहाँ पर मौजूद है, जिस जगह पर देख रहे हैं कि बिल्कुल मुस्तैदी से पुलिस खड़ी हुई है। और एक चीज़, मैं हमारी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से कि जो हमारा जो पुलिस स्टाफ है, जो हमारी जो पुलिस की जो वो तादाद होनी चाहिए वो बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि ये दो चार लोग दिन भर धूप में मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे देख रहे हैं आप, तो उनका ख्याल रखा जाए। क्योंकि इस वक्त भी महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किया है वो बेहतरीन काम किया है। बस एक रिक्वेस्ट है इनसे कि जो जो हमारा जो हिफाजत कर रहे हैं जनता की, उनके लिए आप मास्क बराबर से मुहैया करें, उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम हो, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो। क्योंकि जो कि मुंबई के लोग, जो कि दिल वालों का शहर है मुंबई, बड़े दिल वालों का, वो बराबर से खिदमत कर रहे हैं पुलिस की, उनके साथ लगे हुए सहयोग के लिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार से पूरी हमें अपील है हमारी कि इस बात पर ध्यान रखा जाए कि जो पुलिसकर्मी हमारी हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, आप उनका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।